सोलन में किसान काफी वर्षों से खेतों में कीटनाशकों का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे थे ताकि फसल को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन फसल को बचाते बचाते जहां मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, वहीं अब इसका विपरीत असर फसल और उसका सेवन करने वालों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इस समस्या को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया और किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना आरंभ किया। यही वजह है कि सोलन के किसान अब कीटनाशकों से तौबा कर रहे हैं और अपनी परंपरागत कृषि प्रणाली को अपनाने लगे हैं। सोलन में किसान काफी वर्षों से खेतों में कीटनाशकों का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे थे ताकि फसल को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन फसल को बचाते बचाते जहां मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, वहीं इसका विपरीत असर फसल और उसका सेवन करने वाले के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। इस समस्या को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया और किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना आरम्भ किया। यही वजह है कि सोलन के किसान अब कीटनाशकों से तौबा कर रहे हैं और अपनी परंपरागत कृषि प्रणाली को अपनाने लगे हैं। किसानों ने बताया कि वे पहले खेतों में कीटनाशकों का बहुत प्रचुर मात्रा में उपयोग करते थे, लेकिन कृषि विभाग द्वारा उन्हें जागरूक किया गया और गौमूत्र का छिड़काव करने के लिए प्रेरित किया। अब वे कीटनाशकों को छोड़कर गौमूत्र का फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं, जिसका बेहद फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से फसल भी अच्छी हो रही है, साथ में फसल पर आने वाली लागत भी कम हो गई है। हम खाद की जगह पे भी खाद भी कम यूज करने लग गए, क्योंकि हमारे पास जो अपनी प्रोटीन खाद जो पशु की है उसी को ज़्यादा यूज करते हैं, और इससे हमारी ज़मीन में जो है उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, और ज़मीन जो हमारी खादों और दवाइयों से जो खराब हो रही थी वो अभी काफ़ी ठीक होने जा रही है, क्योंकि काफ़ी सालों से ज़्यादा बढ़ती बढ़ती जाते बढ़ाते बढ़ाते इसकी मात्रा बढ़ाई जा रही थी। तो हमारे साथ जितने भी गाँव के लोग हैं वो अब इस मात्रा को कम कर दिया है, उन्होंने पेस्टिसाइड की स्प्रे वगैरह जो वो बहुत कम कर रहे हैं। बीज हमारे को अच्छा मिल जाता है समय समय से, और पानी के लिए जो टैंक वगैरह देते हैं उसको हम पानी को यूज करते हैं, क्योंकि गर्मी आने पर पानी की काफ़ी समस्या होती है, समय पर बारिश नहीं हो पाती है, तो हम उन टैंकों को पानी जो है जो स्टोरेज करते हैं। हमारे को जो स्कीम में मिल जाता है टैंक वगैरह जो भी लिफ्ट का, उसको इकट्ठा करके हम उससे अपनी फसलों को यूज करते हैं और फसलें अच्छी मिलती हैं हमारे को। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जो पेस्टिसाइड स्प्रे है कीटनाशक है, क्योंकि बहुत वो लगती है उसमें, तो हम उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। फिर गौमूत्र का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हमने जब इसके बारे में खोज की ना, जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं उससे बढ़िया जो साबित हुआ गौमूत्र। बाकी वैसे हम केंचुए की खाद भी डालते हैं, हमने जो यूरिया 12-32-16 ऐसी ऐसी खाद हैं इसका प्रयोग हम कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को रिजल्ट अच्छे मिले उस चीज़ के। क्योंकि ये आम आदमी को पता नहीं होता है, जो प्रैक्टिकली खेत में जाता है ना उसी को पता लगता है। अधिक जानकारी देते हुए कृषि विकास खंड सोलन के विषयवाद विशेषज्ञ हीरा लाल आजाद ने बताया कि सोलन के किसान फसल को बचाने के लिए खतरनाक कीटनाशकों का छिड़काव फसलों पर कर रहे थे, जो फसल और मृदा दोनों के लिए खतरनाक है। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें सोलन के किसान प्राकृतिक खेती कर बेहद मुनाफा कमा रहे हैं और फसल का उपभोग कर रहे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। जो पिछले हमारे गवर्नर साहब थे महामहिम देवव्रत जी, उन्होंने उनके होते जो समय में जो नेचुरल फार्मिंग SPNF जिसे कहते हैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, उसके ऊपर जो है सरकार का जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से मिशन मोड में काम हो रहा है। किसानों को हर जगह ये सलाह दी जा रही है और कि कम से कम पेस्टिसाइड जो केमिकल्स हैं जो रसायन हैं, क्योंकि वो उनका रेजिड्यूल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, उनकी उनसे बीमारियां बहुत फैल रही है। तो किसानों को ये हर जगह इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जा रहा है और किसान जो है वो फॉलो भी कर रहे हैं, इसे लगाने लग पड़े हैं। हमारे ब्लॉक में जो है किसान करीब हर पंचायत में हमारे जो किसान जो है वो प्राकृतिक कृषि करने उन्होंने शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल जीरो बजट पे बिना रसायन के, मतलब रसायन मुक्त जहर मुक्त खेती करने लग पड़े हैं। उनका कहना है कि हमारा मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो हमारा लगाने के लिए खर्चा आता था, दवाइयों का खर्चा आता था और चीज़ों का, वो बहुत कम हो गया है, और हम जो है जहर मुक्त कृषि कर रहे हैं, खुद भी और अपने अन्य नागरिकों को, किसानों को, लोगों को
जहर मुक्त उत्पादन जो है वो मुहैया करवा रहे हैं और इस दिशा में दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।